हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल आज हम क्लास फोर एंड फिफ्थ की इंग्लिश की वर्कबुक में ओ सी आर फॉर्मेटिव असेसमेंट फोर पेज नंबर थर्टी फाइव पर है सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन है चूज़ द वर्ड फॉर द पिक्चर पिक्चर के लिए वर्ड चूज़ करना तो ये क्या है बस तो बी यू बस बस के आगे टिक करेंगे दूसरा क्वेश्चन है वाट विल यू से टू योर फ्रेंड इफ़ ही इज क्रॉसिंग द रोड जब आपका दोस्त सड़क को पार कर रहा है तो आप क्या कहेंगे बी केयरफुल सावधान रहना अगला है तीसरा क्वेश्चन द बॉल इज द टेबल तो अंडर द टेबल चौथा है द राइमिंग वर्ड फॉर सिप विल बी इसका राइमिंग वर्ड क्या है सिप का जिप अगला है पाँच का चूज द वर्ड टू कम्प्लीट द सेंटेंस द बर्ड इज सिटिंग ऑन ए ट्री ऑन पक्षी कहाँ पर बैठे हुए हैं पेड़ के ऊपर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फ्लाई इन द एयर हवा में कौन उड़ सकता है बर्ड अगला है सात का चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक द फर्स्ट बॉल इन द पिक्चर इज बिग फर्स्ट बॉल है वो क्या है बिग है द सेकेंड बॉल इज़ स्मॉल स्मॉल पर टिक कर देंगे आठ का है चूज द ऑप्शन दैट हैज द सेम स्टार्टिंग साउंड एज द पिक्चर ऑफ द एनिमल सॉन बिलो ये जो एनिमल दिख रहा है इसका जो स्टार्टिंग वर्ड है वो और कौन से का जैसे इसका है हॉर्स एच ओ आर सी हॉर्स तो स्टार्टिंग वर्ड एच है तो यहाँ इसका ये होट सेम स्टार्टिंग वर्ड है नाइन का सेलेक्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड गिवन पिक्चर ये किसकी पिक्चर है अम्ब्रेला तो फर्स्ट लेटर क्या होगा यू यू एम बी आर ई डबल एल ए टेन का है चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक द सेकेंड ट्री इन द पिक्चर इज स्मॉल सेकेंड ट्री कैसा है स्मॉल है द फर्स्ट ट्री इज बिग आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद